दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। यार ऐसे कौन गेम खेलता है यार, अभी कल हिंट दिया था, बोला था गैस करने के लिए ऑन द स्पॉट, आज बता भी दिया। हाँ लॉन्च डेट रियलमी C11 का आ गया है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करूंगा कल की तरह, फिर कल ही वीडियो बनाया था, आज फिर आ गया सारी चीजें। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। रियलमी ने ट्वीट कर दिया है लॉन्च डेट, सारी चीजें बताने वाला हूँ। माधव सेठ ने भी किया है कल, तो अभी हिंट दिया था कि गेस करो और आज डाल दिया। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। Realme C11 वेट कर रहे थे बहुत सारे लोग, ये C सीरीज का चौथा फोन होगा, मुझे नहीं पता कौन से हिसाब से आ रहे हैं C1, C2, C3, C11, जबकि C11 इन सबसे पीछे आ रहे हैं, मतलब कम स्पेसिफिकेशन वाला। प्राइस कही जा रही है 6,500 के आसपास होगा, एंड 14th of July को 1 बजे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, उसको ऑनलाइन डालेंगे ये लोग, एंड उसी दिन लॉन्च होगा। सेल पे किस दिन आएगा अभी बताया नहीं है, लेकिन उस दिन ये लॉन्च होगा 14 जुलाई 1 बजे। तैयार है ना, उसके बाद सारी वीडियोज बनने वाले हैं, प्रोज एंड कॉन्स एंड सारी चीज़ों के, वो देखा जाए किस प्राइस पे आता है, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा स्मार्टफोन है, आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे देता है, कहा जा रहा है 6,500 की प्राइस में आएगा, वहाँ 7,500 भेजे, यहाँ पे कहा जा रहा है इसका जो वेरिएंट है 2GB 32GB का, वो 6,500 में आएगा। अब ये नहीं पता कि उसके बाद भी कोई वेरिएंट होगा उससे बड़ा छोटा, तो नहीं बता सकता। 6.5 इंच का डिस्प्ले आएगा, IPS का होगा, HD+ का होगा, वाटर टॉप नॉच के साथ आएगा, ठीक है अच्छी चीज़ है। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट होगा, ड्यूअल कैमरा का सेटअप होगा, देखने में अच्छा स्मार्टफोन दिखेगा, वो स्क्वायर हाउसिंग है तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए G35 का चिपसेट है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 12 NMP बेस्ड है, अच्छी बात है। पावर वीआर का GPU आएगा इसमें, गेमिंग उस हिसाब से कर सकते हो, बहुत अच्छी तो नहीं कर पाओगे लेकिन बजट के हिसाब से सबसे अच्छी रहेगी, एंड 1,20,000 के आसपास आपको स्कोर दे देता है। एंड्रॉयड 10 के ऊपर आएगा, जो कि उनका खुद का रियलमी UI है ना, उसके ऊपर आने वाला है, तो आपको थोड़े ब्लूटूथ भी मिलेंगे, बाद में डिलीट कर पाओगे उन सब चीज़ों को। परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा होगा 13+2 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा होगा, इसका अपर्चर F1.9 का कहा जा रहा है, जो भी हो देखेंगे, 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बोके पैनोरमा HDR कर लोगे, ठीक ठाक कैमरा रहेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा जो कि आपको बोके इफेक्ट देने के काम आएगा, यानी फोटो खींचते टाइम अगर बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। फ्रंट साइड में 5 मेगापिक्सल कैमरा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, रियलमी C3 में भी यही दिया था, परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है उसका, लेकिन ठीक ठाक काम कर लोगे, सेल्फी वेल्फी निकालने काम आएगा, F2.0 का अपर्चर होगा, वहाँ से भी 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो निकाल पाओगे। चलो 5000 mAh की बैटरी होगी, USB 2.0 का पोर्ट होगा, देन उसके साथ साथ आपको 10W का चार्जर मिलेगा, ठीक है प्राइस के हिसाब से ये सारी चीज़ें ठीक है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। सेंसर्स गायब रहेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं रहेगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा, एक्सेलेरोमीटर एमिट लाइट सेंसर मिल जाएगा, जायरोस्कोप नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड तो अलग बात है लेकिन हार्डवेयर नहीं रहेगा। देन उसके बाद डेडिकेटेड स्लॉट आएगा जिसे आप 256GB तक बढ़ा सकते हो, 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो। वेरिएंट अभी तो फिलहाल वही वाला ही पता चल रहा है, 2GB 32GB कहा जा रहा है, 6,500 में यहाँ पे आएगा, वो देखने वाली बात होगी कितने में आता है, GST बढ़ा के अगर 7,000 कर दें तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। कलर की बात करें तो अभी तक ग्रीन और ग्रे 2 कलर पता चले हैं, और कोई खास उसमें अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। वेट कर लेते हैं, 14th of July 1 बजे आने वाला है, इवेंट है, ऑनलाइन है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, उसी को लोग डालेंगे और आप देख पाओगे, तो जैसे और इसके बारे में कुछ पता चलेगा वैसे बताते रहूंगा। वेट कर लेते हैं, कितना टाइम बाकी है, आज कितना 9 तारीख है ना, हाँ तो 5 दिन और बाकी है, 5 दिन में लॉन्च हो जाएगा सब, प्रोज एंड कॉन्स के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जरूर देखना। कैसा लगा वीडियो जरूर बता दो, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर दो, नहीं पसंद है डिसलाइक कर दो, मुझे बता दो कि नहीं पसंद है, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं उन्हें भी देख सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो बैठे में उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ अलग चीज़ों के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।